गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ बुक वर्क ऑफ चैप्टर थर्ड। ठीक है, आज हम चैप्टर थर्ड का बुक वर्क का रिवीजन करेंगे। क्या था चैप्टर थर्ड हमारा? प्लांट्स। ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर थर्ड प्लांट्स के बुक वर्क का रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसको क्वेश्चन आंसर का हम रिवीजन हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, क्या है फिल इन द ब्लैंक्स? तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखो, द ब्लैंक एंड ब्लैंक आर डेजर्ट प्लांट्स। मींस डेजर्ट प्लांट कौन कौन से है? तो एक में आएगा कैक्टस और एक कौन सा है? डेड पाम। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? कैक्टस और डेड पाम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टी इज़ ग्रोन ऑन ब्लैंक, मीन्स टी कहाँ पर ग्रो, कहाँ पर उगती है टी? तो इसमें क्या आ जाएगा? हील स्लोप्स में। कहाँ उगती है टी? टी जो होती है चाय पत्ती, ठीक है, वो कहाँ आती है? हील स्लोप्स में। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टीम आर कॉल्ड, मीन छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं और जिनकी वुडी स्टीम होती है, लकड़ी वाली स्टीम्स होती है, उनको क्या बोलते हैं? शब्स बोलते हैं। ठीक है, शब्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं विथ वुडी स्टीम्स। ठीक है बच्चों, आगे चलो फोर्थ देखो, ब्लैंक इज ग्रीन सब्सटेंस फाउंड इन लीव्स। देखो जो लीव्स में जो ग्रीन सब्सटेंस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल। जो लीव्स के अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस आता फाउंड है, मतलब मिलता है, उसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल ही रीज़न होता है जो प्लांट्स जो होते हैं ना, उसका ग्रीन होने का। ठीक है, जो भी ट्रीज या प्लांट जो भी ग्रीन होते हैं, किस लिए होते हैं? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखो, ब्लैंक आर नॉन ग्रीन प्लांट, मीन्स कौन सा नॉन ग्रीन प्लांट है? नॉन ग्रीन प्लांट कौन सा होता है? मशरूम्स। मशरूम का जो प्लांट होता है वो कौन सा होता है? नॉन ग्रीन प्लांट होता है। और उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होती है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें क्या करना है? टिक करना है राइट। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट, मीन्स हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते किसके बिना? प्लांट्स के बिना, या एयर वाटर के बिना, या बोथ, फर्स्ट और सेकंड। तो देखो प्लांट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो प्लांट्स के बिना भी हम नहीं रह सकते, अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, और एयर वाटर के बिना भी हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड क्या है? प्लांट दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड, मीन्स जिस प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट या एल्गी। तो क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? द ब्लैंक इज अ ट्री, मीन्स कौन सा इन तीनों में से ट्री है? बनियान, बॉनविला या मनी प्लांट। तो कौन सा ट्री होता है? बनियान ट्री होता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? मशरूम्स हैव नो, मीन्स मशरूम का जो प्लांट होता है उसमें क्या नहीं होती? स्टीम नहीं होती, या क्लोरोफिल नहीं होती, या रूट्स नहीं होती। देखो अब हमने अभी पढ़ा था कि मशरूम क्या होता है? नॉन ग्रीन प्लांट होता है। क्यों होता है नॉन ग्रीन प्लांट? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, स्टीम भी होती है और रूट्स भी होती। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल। मीन्स बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है? मैच द फॉलोविंग, मीन्स हमें मैच करना है। तो फर्स्ट क्या है? द थिक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ अ ट्री, मीन्स ट्री की जो बड़ी और मजबूत स्ट्रीम होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ट्रंक। तो फर्स्ट वाला किससे मैच करना है? डी से। नेक्स्ट क्या है? अ प्लांट विद अ हार्ड बट दिस वुडी स्ट्रीम, मीन्स प्लांट होता है वो हार्ड तो होता है, और उसकी स्टीम कैसी होती है? वूडी होती है। तो कौन सा प्लांट होते हैं वो? वो होते हैं शब। तो सेकंड वाला किससे मैच करना है? ए से। नेक्स्ट क्या है? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट टेक्स इन वाटर, मींस जो प्लांट्स में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो मतलब वाटर लेता है, ठीक है, वाटर। तो कौन सा होता है उसको बोलते हैं रूट्स। तो थर्ड को किससे मैच करना है? बी से। नेक्स्ट क्या है? लीव्स
ब्रांचेस एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन द मीन्स जो पेड़ में या प्लांट में कोई भी लीव आती है या फिर ब्रांचेस आती है या फ्लावर्स आते हैं तो वो कहाँ पर आते हैं, वो आते हैं स्टीम में, ठीक है। जो भी तने होते हैं, जो भी ब्रांच या ट्री के, तो वो कहाँ पर आते हैं, स्टीम में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट हेल्प इट मेक फूड मीन्स प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जो अपना फूड बनाने में हेल्प करते हैं, तो क्या बना क्या करते हैं, इसमें आ जाएगा लीफ, जो पत्तियां होती है वही अपना खाना फूड क्या बनाती है, अपना फूड बनाती है, ठीक है बच्चों। तो फिफ्थ वाले को मैच करना है सी से। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई एंड नेम द प्लांट गिवन ग्रो मीन्स ये अपन को प्लांट दे रखे हैं उसके अपन को नेम बताने। तो फर्स्ट वाली इमेज देखो, फर्स्ट वाला कौन सा प्लांट लग रहा है, मिंट, इसमें क्या आ जाएगा, मिंट। सेकंड वाला देखो इमेज, सेकंड वाली कौन सी दिख रही है, रोजेस दिख रहे, तो कौन सा प्लांट हो गया ये, रोज का। नेक्स्ट क्या है, देखो क्या दिख रहा है, वाटरमेलन, तो कौन सा प्लांट हो गया ये, वाटरमेलन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाली इमेज देखो, तो ये कौन सा ट्री है, डेट पाम, ठीक है बच्चों। आज हमारा बुक वर्क कंप्लीट हुआ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर हमने नेक्स्ट क्लास में कर लिए थे, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है बच्चों, आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।